अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी अभी ऊपर आया हूँ मैं और मैंने अपने कबूतर खोले हैं, बिल्कुल अभी अभी खोले हैं सारे कबूतर जो है ना, अभी बाहर निकाले और वीडियो बनाना स्टार्ट किए। अभी अभी क्यों खोले मैं आपको बताता हूँ। सुबह से जो है ना बराबर छत में हो रहा है काम, और जो है ना आज ये लोग लगा रहे हैं ऊपर वाली छत में, जो बिल्कुल हमारी छत के लेवल पे यार ना चेक करें, बिल्कुल जो है ना ये टंका खड़ा कर रहे थे सुबह में। तो मैंने ना सुबह में ही देख लिया था कि आज ना ऊपर काम हो रहा है, तो मैंने ना इसी वजह से ना सारे कबूतर जो है ना बंद करके रखे हुए थे। और अभी भी जो ना सिर्फ मैंने गोले और जो कुछ कम उड़ने वाले कबूतर है ना, कुछ कुछ हाई फ्लायर भी खुल गए, लेकिन वो जो है ना ज़्यादा नहीं उड़ेंगे गोलों की वजह से। तो काफ़ी सारे हाई फ्लायर वगैरह जो है ना वो मैंने यहाँ पे चेक करें बंद करके रखे हुए। तब भी जो है ना एक मैंने आपको चीज़ दिखानी है, मुझे समझ में नहीं आ रही वो कैसे हो सकता है, आप लोगों ने मुझे बताना है ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपको चल के बताऊंगा। अभी फिलहाल ना जोड़े वालों को दाना नहीं डाला, उनके लिए ना दाना मैंने निकाल लिया था, तो यहाँ पे चेक करें दाना पड़े, अभी चलते हैं उनको दाना डालते हैं। और वो चीज़ भी ना वहीं पर ही है, आप लोगों ने मुझे बताया ना क्या सच में ऐसा हो सकता है। और सामने चेक करें जो मैंने एक गोला कबूतर पकड़ा था, सेम टू सेम उसी को जैसे गोला बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें से एक तो वही होगा जो मैंने पकड़ा था, देखते हैं इसको रिंग डली हुई है कि नहीं डली हुई। तो दो दो जो है ना अभी चेक करें सामने बैठे हुए, चेक करें एक तो जो है ना इनमें से फुल नहाना, वो जो नहाया हुआ है वो आगे वाला, वो चेक करें ये वाला मैंने पकड़ा था, ये वाला जो है ना इसका भाई है मेरे ख्याल में, तो उसको हमने आज़ाद भी कर दिया था। ये वाला देखें, इसको रिंग भी डली हुई है, मैंने देख ली पिंक कलर की, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से तो मुश्किल ही दिखेगी। चले गए दोनों के दोनों, चलें इनको छोड़ें, वो उड़ गया, वो देखें गया, इसको मैंने पकड़ लिया था, लेकिन हमने इसको वापसी आज़ाद भी कर दिया। ये इसका भाई है, पता नहीं कि इसका बाप है कौन है, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। दाना अपना उठाते हैं और चलते हैं जोड़ों वालों को डालते हैं, और मैं आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ क्या चीज़ है वो। तो फाइनली इसके भी जो हमारे दोनों बेबीज निकल आए थे ना, इसके नीचे जो अंडा था ना जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, वो भी मुझे ना अब कन्फ्यूजन हो रही है कि वो इस पैर का ही था कि किसी और पैर का है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो है ना एक अंडा आ गया था कल, जो कि ना कल सुबह में नहीं था, कल दोपहर में मैं आया तो दोपहर में मैंने देखा था, जब मैं वीडियो बनाने आया था उसी टाइम में मैंने देखा यहाँ पे एक आया हुआ अंडा। और कल रात में ही ना मैं आया बबलू लोग को फीड कराने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर हो गए दो अंडे, चेक करें, एक अंडा कल दोपहर टाइम पे आया और एक अंडा ही कल रात के टाइम पे आ गया, और दोनों ना काफ़ी ज़्यादा गंदे से भी हो रहे हैं अभी, क्योंकि प्याला जो है ना गंदा हो रहा है, यहाँ पे बच्चे भी साथ ही रह रहे हैं ना, इस वजह से अंडे पे ना गंदगी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो मैं सोचा था कि इस मादी ने दो दो अंडे कैसे एक दिन में दे दिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। एक अंडा इसने दिया दोपहर में, एक अंडा दे दिया इसने रात में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आप लोग मुझे बताएं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। ऐसा हो सकता था कि अगर इसने एक अंडा कल दोपहर में दिए तो आज दोपहर में एक अंडा दे दी, लेकिन एक ही दिन में इसके दो अंडे कैसे आ गए मुझे ये नहीं समझ में आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी क्रेट में किसी और ने घुस के अंडा दिया है, एक हो सकता है इसी ने दिया हो, एक हो सकता है किसी और फीमेल ने दे दिया, हो सकता है मुझे लग रहा है या तो इस फीमेल ने दिया क्योंकि ये भी अंडों पे थी, या तो इसके अलावा एक और फीमेल है, वो चेक करें वो बब्बर शेर वाली, वो भी अंडों पे, वो देखें उसको नर मार भी रहा, लेकिन ये भी अंडे नहीं दिए इसने अपनी क्रेट में अभी तक, तो पता नहीं शायद इसने घुस के दे दिया है अंडा। अब ये नहीं समझ में आ रही ये वाले अंडे दोनों के दोनों ही इसके हैं या कोई एक इसका या दोनों ही इसके नहीं है, लेकिन ये केयरिंग तो कर रही है अंडों की, सेक तो रही है, लेकिन अगर ये केयरिंग करी तो कैसे इसने एक दिन में दो अंडे दे दिए? कमेंट्स में लाजमी बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या हुआ होगा जो यहाँ पे एक ही दिन में दोपहर से लेकर रात में दो अंडे एक साथ आ गए। तो बच्चों का जो है ना मैंने सोचा था दोनों को ना अलग कर लेते हैं, ताकि हो सकता है अगर इसने अंडे दिए तो ये इनकी केयरिंग अच्छी करे, तो बेबीज़ को मैं सोच रहा हूँ अलग कर लेते हैं और इनको खुद ही हैंड फीड कराएंगे, हैंड टेम नहीं करेंगे, हैंड फीड करा के बड़ा करके फ्लाइंग के लिए छोड़ देंगे इनको अपनी छत पे। आप लोग बताएं क्या करें, इनको छोड़ देना छत पे, क्योंकि टेम तो नहीं कर सकते, इनको टेम तो हो जाएंगे लेकिन हम छत में ही छोड़ेंगे इनको परवास के लिए। तो हैंड टेम वाले वैसे भी बबलू बबली हैं, और फैसल साथ को जो ना कोई पट्टी वाले ही उठाने का दिल है तो वो पट्टी वाले ही उठाएंगे। फिलहाल इन लोग को दाना खाने, लेकिन मेरी वजह से ना अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं जाता हूँ बाहर, आप लोग मुझे बताएं कैसा पॉसिबल है। और इसके नीचे जो तीसरा अंडा आया था वो भी इसका अपना ही होगा या किसी और ने जाके इसकी क्रेट में दे दिया होगा, वो अंडा जो है ना इसके नीचे रखा हुआ है और वो फर्टाइल भी है, मैंने चेक कर लिया फर्टाइल है वो भी, तो ये लोग जो है ना उसी अंडे की केयरिंग कर रहे हैं, उसमें बच्चा बन भी रहा है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके भी बच्चे आएंगे और इसके भी बच्चे आएंगे, और इसको भी ना बहुत जल्द जो है ना हम लोग बाहर निकाला करेंगे, ये भी बड़ा होने वाला है बस, लेकिन इसका भाई बहुत छोटा रह गया। तो अभी जो है ना ब्रीडिंग केज से बाहर आ चुका हूँ, और अभी जो मैं आपको न्यूज़ बताने लगा हूँ ना उसको सुन के ना आप लोग को खुशी भी होगी और उसी के ना फौरन बाद जो है ना गम भी होगा। तो क्या न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले ना हम लोग ना अपने दोस्त से लेकर आए थे कबूतर गिफ्ट, तो 5 कबूतर जो है ना हम लोग लेकर आए थे अपने दोस्त से गिफ्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो में शौक भी कराया था, तस्वीर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप लोगों ने अभी देख लिया कौन सा कबूतर था वो। तो वो कबूतर जो है ना हमारे पास से भागा था काफ़ी टाइम पहले जब हम लोग लेके आए थे, एक हफ्ते बाद ही ना हमारे पास से वो भाग गया था शायद मेरे ख्याल में। तो वो कबूतर जो है ना आज सुबह में मैं आया था जब मैंने अपने कबूतर खोले हुए थे, बराबर में काम नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो वो कबूतर जो है ना मुझे नज़र आया एकदम से ना पीछे से जा रहा था, मैंने हल्का सा दाना मारा हमारे कबूतर नीचे उतरे और वो भी जो है ना पीछे से एकदम से आया साथ ही ना हमारे कबूतरों के लगा और सीधा आगे जाल पे उतर गया। मैंने चेक किया कबूतर जो है ना हमारा वही निकला
मैंने खुशी के मारे अपने उस दोस्त को भी बताया कि वो कबूतर ना तुम्हारा वापसी आ गया हमारे पास। तो बाकी के जो कबूतर लेके आए थे ना, पांच जो थे, एक तो हमारा भाग गया था, वो आज वापस आया था। बाकी के तीन हमने उनको वापस कर दिए थे और एक बेबी पिजन भी और भी भाग गया था। तो वो जो वापस आया था ना कबूतर, उसको मैंने पकड़ के चेक वेक किया और फिर ना मैंने उसको ऐसे ही वापस छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद में वापसी आया तो वो वापसी भाग गया हमारी छत से, पता नहीं किधर भाग गया। मेरे को इतनी हंसी आई ना वो कबूतर पे कि वो पता नहीं किसके पास चला गया था, भाग के हमारे पास आया और हमारे पास थोड़ी देर बाद वापस भाग गया। तो वो कबूतर जो है ना हमारा वापसी भाग गया था। और जो है ना अपने दोस्त को जो तीन कबूतर वापसी दिए थे ना, हमने उसी के गिफ्ट कबूतर हमने उसे वापसी दे दिए थे, क्योंकि उसने ना शौक़ ख़त्म कर दिया तो हम लोग लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने ना वापसी शौक़ करना था। तो वो हमसे ना अपने तीन कबूतर जो है ना हमने उनको वापसी दिए थे लेकर गए थे। तो उनमें से भी ना एक कबूतर उनके पास से भी आज जो है ना भाग के आ गया, चेक करें ये वाला। तो ये कबूतर जो है ना उनके पास से भी उनकी छत से भाग के आ गया। और जो है ना उनके काफ़ी ज़्यादा ना आज कबूतर हवा की वजह से ना चले गए नए नए भी, और कुछ जो है ना उनके एक दो फीमेल जो हम लोग के पास थी जाख, वो भी उनके पास से भाग गई आज। तो इतने ज़्यादा खफा हुए ना कि आज से हमने ना 8 महीने पहले एक कबूतर पकड़ा था जो कि उन्हीं भाई का था जिनसे हमने ये गिफ्ट कबूतर लिए थे। तो हमने 8 महीने पहले उनको वो कबूतर जो है ना वापसी किया था उनका। तो 8 महीने बाद ना आज हमका वही कबूतर वापसी लेकर आए जो कि हमने 8 महीने पहले उनको वापसी किया था। तो अस्सू की तैयारी वाला कबूतर उस वीडियो का टाइटल था। वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख भी सकते। थोड़ी सी क्लिप में लगाता हूँ आगे। ये आ गया, बहुत प्यासा हो रहा है, फैसल उस्ताद के ऊपर ही आ गया। देखें मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लाजमी बना के। तो वीडियो आप लोगों ने देखी है, कबूतर हम लोगों ने पकड़ा था, वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं पूरी की पूरी, फैसल उस्ताद ने कैसे पकड़ा था। तो ये कबूतर भी जो है ना उनसे अब वापसी लेके आए, क्योंकि उनका ना दोबारा से एक बार दिल टूट गया कबूतर से, और उन्होंने ना कहा मैं शौक वक नहीं कर रहा, तुम आओ ये कबूतर ले जाओ। और एक और भी हमारा कबूतर था कलदमा, ये भी हमने उनको दिया हुआ था ब्रीडिंग के लिए, तो इसको हम उड़ा दे, लेकिन उनको ब्रीडिंग के लिए दिया हुआ था। तो ये भी हमने वापसी ले लिया उनसे अभी। तो ये एक मेल और ये एक मेल जो है ना लेकर आए हम उनसे ब्रीडिंग के लिए वापसी से, इसको तो बाद में लगाएंगे। अंबर सिरा पेयर भी जो है ना हमने उनको दिया था, लेकिन वो भी उनके पास से भाग गया आज ही के आज ही। काफ़ी ज़्यादा कबूतर जो है ना आज उनके भाग गए, इसी वजह से ना उन्होंने ये भी वापसी कर दी और अपना कबूतर भी ना हमें दे दिया। और ये भी हमारे पास भाग के वापसी आ गया था, उनका ही कबूतर जो हमने उनको वापसी दिया था। तो और जो एक कबूतर था वो उनका आज आया और वो हमारे पास से भी वापसी भाग गया। तो पता नहीं ये क्या हुआ, मेरे को खुद नहीं समझ में। मुझे ना उसको बंद कर देना चाहिए था वैसे, तो पकड़ के ना जब मैंने पकड़ा था, छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे बंद कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने भी जो है ना उसको छोड़ दिया। मैंने कहा अब कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और सारे कबूतर देखें एकदम से डर गए, पता नहीं क्या हुआ। तो अगर मैं उसको बंद कर देता ना तो अभी हमारे पास ही होता, लेकिन वो कबूतर हमारे नसीब में नहीं था, शायद वो वापसी से भाग गया, आया मेहमान बन के आया और वापसी चला गया थोड़ी देर में ही। तो खैर उनका जो मेन कबूतर था ना वो अभी हमारे पास आया हुआ है ब्रीडिंग के लिए। तभी जो है ना मैंने सोचा है कि इसको लगाएंगे इस वाली टैडी फीमेल के साथ जो के हम लेकर आए थे। तो ये जो है ना पूरा पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं पेयर बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसको भी ब्रीडिंग में लगाएंगे। ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा घपला चल रहा है, आप लोग बताएं कि क्या सीन होगा उसके अंडों का, कि उसी फीमेल के होंगे या किसके होंगे। तो काफ़ी काबली भी ना अभी बन गए हैं, तो अभी इनको खोलूंगा नहीं, हवा भी ना चल रही है, आप लोग देखें कैसे बैठ गए कबूतर। तो अभी उड़ा भी नहीं सकते, वरना हमारे भी ऐसा नहीं उन दोस्त की तरह, उसी दोस्त की तरह चले जाएँ काफ़ी सारे कबूतर। वो जो कबूतर भाग गए ना, अगर वो गलती से भी नज़र आ गए ना इस बार आया है ना वो, तो उसको पकड़ के ना बंद ही कर दूंगा मैं, खोलूंगा भी नहीं उसको इस बार। देखते हैं अभी कोई कबूतर आ जाए तो उसको पकड़ते हैं, बाकी इनको भी दाना वाना डालते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों कल जो है ना लाइट चली गई थी, इसलिए ना मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अभी जो है ना सुबह सुबह के टाइम पे आए हूँ और आप लोग चेक करें, सामने ही जो है ना एक बैड न्यूज़ पड़ी हुई, जो हमारी दुबास कबूतरी थी ना वो बेचारी ना एक्सपायर हुई पड़ी है। तो यहाँ पे जो है ना ताला लगा हुआ है, अभी चाबी भी मेरी गुम हो गई। तो अभी जो है ना इसको बाहर निकालते, पानी का प्याला भी अंदर ही पड़ा और सारा का सारा पानी ना गंदा हुआ है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालते, फिर कबूतर भी बाहर निकालेंगे। तो यहाँ वाला गेट मैं खोल देता हूँ, शुक्र है बीच वाला गेट जो है ना अभी खुला हुआ है, दोनों साथ है, सारे कबूतर ना मिक्स हुए हैं। तो यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ और उसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये चेक करें, ये जो है ना आ गई, ये कल ही जो है ना ये मरी है। कल जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रही थी एकदम से ना, काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गई थी कल। दाने जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा ना सूख गए थे, चेक करें बिल्कुल जो है ना सूख गए थे इसके दाने, बस थोड़ा टाइम में ना गिरने थे, लेकिन जो है ना ये कल एक्सपायर हो गई। तो अभी जो है ना इसको यहाँ पे रख देते हैं, फिर जो है ना इसको ले जाके कहीं दफना देंगे। फिलहाल अभी तो यहाँ पे रख दिया, काफ़ी ज़्यादा कचरा भी हुआ है यहाँ पे। तो कबूतर सोच रहा हूँ अभी खोल ही देता हूँ, या तो काबलियों को उड़ा दूँ, लेकिन नहीं आज नहीं उड़ाते, हवाओं का ना आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो अभी जो है ना खोल ही देता हूँ बाहर में, तो गेट जो है ना मैं खोल देता हूँ, खुद ही सारे बाहर आ जाएंगे। देखें यहाँ वाले सारे आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ना अंदर वाले भी सारे बाहर आ जाएंगे एक एक करके। यहाँ वाला गेट क्योंकि खुला हुआ है ना बीच में से, तो ये लोग आएंगे बाहर। अभी चलते हैं ब्रीडिंग में, देखते हैं कोई और नहीं अपडेट तो नहीं आ गई कहीं ब्रीडिंग में। और रैबिट्स को भी खोलते हैं और चिक्स को भी खोलते हैं। तो ये चिक्स तो गए हमारे बाहर, चल 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 निकल बाहर निकल। तो ये चिक्स चले गए और रैबिट्स को भी अभी मैं यहाँ से खोल देता हूँ जल्दी से। फैसल उस्ताद ने कल ना इनका तार लगा के गेट बंद कर दिया था,
तो अब जो है ना इनका भी गेट खुल गया। चलो आ जाओ तुम लोग एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक तो आ गया, दूसरा भी आ जाएगा अभी। हम लोग चलते हैं ब्रीडिंग में, देखते हैं कोई नई अपडेट वपडेट तो नहीं आ गई, देख लेते हैं कोई हो सकता है खुशखबरी आ गई हो। यहाँ पे फौजी तो हमारा यहीं पर ही है, बाकी ये मादी का ना पैर लगाने के लिए छोड़ा हुआ है, वो नर कहाँ गया, वो बैठा हुआ है लेकिन कहाँ लटका हुआ है पागल कहीं का। मादी के साथ घूम ही नहीं रहा ये, इसका मादी के साथ पैर ही नहीं लग रहा। लास्ट टाइम ही ना इसका पैर बड़ी मुश्किल से लगा था लेकिन मादी ने अंडे ही नहीं दिए थे। इस बार देखते हैं इस मादी के साथ कितने टाइम में इसका पैर लगता है। तो मादी तो काफ़ी अच्छी है, बस नर जो है ना पैर नहीं लगा रहा, पता नहीं हूँ। बाकी वो दोस्तों का जो नर लेकर आए थे उसको यहाँ पे बन गया हुआ है उसी टैडी फीमेल के साथ पैर लगाने के लिए, तो इनका भी शायद अभी तक पैर नहीं लगा मेरे ख्याल में। तो देखते हैं इसके क्रेट में कहीं एक और अंडा तो नहीं आ गया। बच्चा देखें इसका सामने ही बैठा हुआ है, दिखाओ अंडे दिखाओ। चलो नहीं, दो ही हैं अभी तक, दो ही हैं। हो सकता है इसी ने ही दिए हों दोनों एक ही दिन में, लेकिन कैसे दे दिए मुझे ये नहीं समझ में आ रही। और तो कोई अंडा नहीं आया, तो इसके इसके चेक करते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं कि नहीं, चेक करें। इसके बिना दो दो बेबीज निकल आए थे, तो देखते हैं ये देखें। नहीं अभी तो काफ़ी छोटे छोटे ही हैं। बाकी इसने भी एक अंडा बाहर निकाला है, पता नहीं क्यों, एक अंडे की सही केयरिंग करी है। वही इसको भी अपने नीचे रखो वरना ये ख़राब हो जाएगा, चेक करें। मैंने इसके नीचे कर दिया। बाकी यहाँ पे जो है ना बेबी काफ़ी ज़्यादा ना बड़ा हो गया, और ये क्या, ये चेक करें इसके काम, ये चेक करें इसके काम। इसने यहाँ पे अंडा दे दिया अपनी ये वाली क्रेट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे इनका बच्चा है। इसने यहाँ पे अंडा दे दिया और अभी यहाँ पे आ गई है नर, यहाँ बैठा हुआ है ऊपर, दोनों क्रेटों की हिफाजत कर रहे हैं। और मादी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे अंडा दे दिया। तो यानी इस मादी ने भी अंडा नहीं दिया इसके क्रेट में, क्योंकि इसने तो अपना अंडा यहाँ पे दे दिया। तो इस मादी ने पता नहीं किधर दिए अंडे, के दिए नहीं दिए, कुछ समझ नहीं आ रही इसका। ये भी क्योंकि अंडों पे आई हुई थी, लेकिन अभी इसका पता नहीं इसने कहाँ दिए। बाकी इस मादी ने तो देखे यहाँ पे दे दिया। अब जो है ना और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि उसी ने दिए होंगे मेरे ख्याल में, और कोई तो मादी यहाँ पे अंडों पे नहीं है। यही मादी अंडों पे थी, ये मादी अंडों पे थी, और ये वाली कभी ना कन्फर्म नहीं हो रही अंडों पे है नहीं है, लग तो रहा है कि अंडों पे ये, लेकिन इसने अपना अंडा यहाँ पे ही दे दिया। अभी ये पता नहीं किसके अंडे होंगे, समझ नहीं आ रही। गोले गोले तो अंडों पे नहीं थे, होंगे तो किसी काबली के ही होंगे। तो अब जो है ना आप लोग ने बताना है कि वो अंडा किसका होगा उसकी क्रेट में, जो दोनों एक ही दिन में आ गए। मुझे लग रहा था ऊपर वाली मादी ने दिया होगा, लेकिन उसने भी अपना अंडा दे दिया, तो अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को अगर पता लग रहा है कि किसने दिया होगा, क्या सीन हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में लाजमी बता सकते हैं। और ये भी बताना है कि एक कबूतर एक दिन में दो अंडे दे सकता है कि नहीं दे सकता, या किसी और ने दिए या उसने खुद ही दिए, तो आप लोग ने कमेंट्स में लाजमी बताना। मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।